हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज होली है, हम लोग का घर पे नारायण पूजा भी हुआ और अभी थोड़ा सा होली का दहन का बंदोबस्त हम लोग किए हैं, क्योंकि ये करने का मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है, घर के लिए शुभ होता है। सो आप लोग साथ में रहिए और सबको बहुत बहुत होली का बधाई। कुछ बोलना है? कुछ बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। जहाँ स्वीकार की वहाँ की देना है, तो आपको देना। ओम नमो भगवते वासुदेव। सो फ्रेंड्स, हैप्पी होली इन एडवांस। और जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक तो शायद होली सेलिब्रेशन हो भी जाएगा। एनीवेज, हम लोग का होली का तैयारी चल रहा है। होली यहाँ मतलब बिहार में थोड़ा सा कल्चर अलग है, मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद है,
या दिन भर होली खेलने के बाद शाम को सब आते हैं गुलाल लगाने और उनको कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोग देते हैं। हम भी कहीं जाएंगे तो वहाँ से भी सेम यही होगा ट्रीट। एनीवेज तो मैं यहाँ दही बड़ा का प्रिपरेशन बना रही हूँ सब मिलके, अकेले नहीं क्योंकि बहुत सारा बन रहा है, आपको दिखाएंगे लास्ट में बहुत सारा। तो यहाँ घुगनी बन रहा है, काबली छोला ही बोले ना हिंदी से, काबली चना का, और मालपुआ बन रहा है। सब बना के मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और सबसे मजे की बात है कि होली सेलिब्रेशन सबको ही दिखाएगा कि रंग खेल रहा है या कुछ स्क्रिप्टेड भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा होली थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और मतलब सोचने वाली बात है कि कल के दिन कोई भी मेड मेरा अवेलेबल नहीं रहेगा और कल सारा काम खाना बनाने से लेके घर का सारा काम करके फिर होली भी खेलना है और शाम को फिर जितना मेहमान आएगा सबको अटेंड भी करना है। सो मेरा होली तो लगता है थोड़ा सा हेक्टिक होगा इस बार। हर बार इतना नहीं होता है लेकिन इस बार तो एकदम कोई भी नहीं, सब छुट्टी में चले गए हैं और कुछ जाने वाले हैं। सो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा होली स्पेशली नेचुरल जो है कैसे बीत रहा है, मैं ज़रूर शेयर करूंगी। मेरा होली तो कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक और एक्साइटिंग होने वाला है मुझे लग रहा है काम काजों के बीच। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का होली कैसे बीतेगा और बीत रहा है, तो ज़रूर कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये है मालपुआ, ये दही बड़ा अभी जस्ट मैंने इसको निकाला है, इसको फिर पानी में देना है और फिर दही देके सर्व करना है। और ये है घुगनी, घुगनी को तो क्या बोलते हैं, छोले, छोले छोले। तो यही है मेरा होली का प्रिपरेशन और बहुत मेहनत लगा, जल भी गया एक दो जगह मेरा। एनीवेज अब कल से मेरा हो जाएगा मतलब स्ट्रगल पीरियड दो दिन के लिए। सो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ और कल का वीडियो में मैं कुछ टिप्स भी दूंगी कि होली खेलने से पहले कैसे आप लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए स्किन और हेयर के लिए, और आप लोग बहुत सेफली होली खेलिएगा मैं यही चाहती हूँ। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों का कॉमेंट मिलने से बहुत अच्छा लगता है। सो बाय। रंग पर दे दिखे जिनर वाली रंग पर दे।